I am Farhan. Please subscribe my channels and likes all videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रियाज। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने बड़ा एयर कूलर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ये आपको दो चीज़ें सिर्फ इसमें देखनी है। और इसमें जो ये एयर कूलर है, इसमें इसकी जो मूविंग है वो सिस्टम नहीं है और सिर्फ इसमें जंगला है। और ये एयर कूलर जो नई बाटी आजकल चल रही है, और इसमें ये आगे फ्रंट जो है काफ़ी हैवी लगा हुआ होता है, तो अगर कोई चीज़ लगे भी तो अंदर मूविंग वाली जो ग्रिल्स हैं वो नहीं उसको वो होती है, उसमें को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसके अंदर जो मूविंग भी लगी हुई है ना, तो इसका जो सबसे एक चीज़ मैंने आपको बता नहीं ना, ये अप डाउन वाली सर्विस है ना, जो ये इसके बाहर बटन वगैरह लगते हैं, ये चीज़ होती है और इसमें कोई भी नहीं है। आपने बस सेलेक्ट करते ये देखना है कि अप डाउन, क्योंकि हर जब भी आपने एयर कूलर के आगे बैठना है ना, तो आपको ज़रूरत पड़ती है अप की भी डाउन की भी। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है और उसके ये बटन हों जिसमें वो अप डाउन, ये आप देख सकते हैं अप डाउन होते हैं ना, तो ये निचले वाली साइड पर, तो ये आपने ज़रूर चीज़ देखनी है ना। मैं आपको एयर कूलर के दिखाता हूँ, ये देखें, ये साथ साथ बटन लगे हुए हैं, ये भी आज के अप डाउन है, ये चीज़, ये आपने ज़रूर चीज़ें। अक्सर इसमें इंसान गलती कर लेता है, कस्टमर गलती कर लेता है कि भी चलो कोई बात नहीं है इसका, लेकिन उसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है फिर। तो अपना ख्याल कीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम।